हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग मेंसुरेशन को। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था ट्रायंगल के कुछ बेसिक क्वेश्चन, जिसमें हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना सीखा था। तो उसके होमवर्क हमारे पास है, चलिए होमवर्क आप नोट कर लीजिए उसके। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सो वी कैन क्लासिफाई दिस ट्रायंगल इन टू वेज। ट्रायंगल को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सपोज एंगल हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। सेकंड, वी कैन क्लासिफाई ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सेकेंड हम साइड के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। सो जब हम एंगल के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, देन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल के बेस पे तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। फर्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जहां पर एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आगे हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। सेकंड, वी हैव सेकंड ट्रायंगल अक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अक्यूट एंगल? अक्यूट एंगल मीन्स होता है एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सो ऐसा ट्रायंगल जहां पे 90 डिग्री से कम का एंगल हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अक्यूट एंगल। सो ट्रायंगल वेयर एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है? थर्ड टाइप हमारे पास होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल? मींस जहां पे एंगल क्या हो? 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो। सो ट्रायंगल वेयर एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई ट्रायंगल इन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड वन इज अक्यूट एंगल ट्रायंगल, थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ साइड वी कैन क्लासिफाई ट्रायंगल इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विलेटरल? किसके बेस पे हम देख रहे हैं? साइड के बेस पे। इक्विलेटरल मींस इक्वल। सो ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड क्या हो? इक्वल हो। क्लियर है? ट्रायंगल के थ्री साइड होते हैं। सो अ ट्रायंगल वेयर ऑल थ्री साइड शुड बी इक्वल नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो ये होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल, सो व्हाट इज आइसोस्केल ट्रायंगल? वेयर टू साइड शुड बी इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या हो? इक्वल हो, क्या कहलाएगा? आइसोस्केल ट्रायंगल। थर्ड हम बात करें तो थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, सो व्हाट इज स्केलेन ट्रायंगल? वेयर ऑल साइड शुड बी अनइक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल कहलाते हैं। क्लियर है? सो इस तरह से हमने क्या किया, ट्रायंगल को टू वे में क्लासिफाई किया। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दोनों के बेस पे हमारे पास तीन तीन टाइप के यहां पर ट्रायंगल मिले। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर क्या हो? एक एंगल 90 डिग्री का हो। सेकंड, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जहां पर एंगल क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। थर्ड, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जहां पर एंगल क्या हो? एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री से ज्यादा का हो।
ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगेन हमने थ्री टाइप्स का ट्रायंगल देखा. फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहां पर सभी साइड क्या हो, इक्वल हो. आइसोस्केल ट्रायंगल, जहां पर दो साइड इक्वल हो. और स्केलेन ट्रायंगल, जहां पर सभी साइड अनइक्वल हो. ठीक है, तो चलिए डिटेल में चलते हैं अभी इन सारे ट्रायंगल के, और सभी ट्रायंगल में हम एरिया और पैरामीटर फाइंड करना सीखेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा. सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. फर्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल. ये मोस्टली यूज होने वाला ट्रायंगल है, तो इस पर हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है. राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री. जहां पे एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे. ठीक है, तो चलिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं. ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे इसको, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे. ये हमारा कॉर्नर ए, ये कॉर्नर बी और ये कॉर्नर सी. ठीक है, जैसे कि हम पहले से ज़ूम करके चलते हैं, ये साइड क्या होता है ए, इसका लेंथ है ए, इस साइड का लेंथ हम क्या ज़ूम करते हैं बी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं. और ये जो साइड है इसका लेंथ हम ज़ूम करके चल रहे हैं सी. ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल का, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा. सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट. ये जो एरिया का फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, सभी के सभी ट्रायंगल के लिए हम यही यूज करते हैं. ठीक है, सो एरिया ए इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, और यहां पे 1/2 इंटू बेस को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल बी. ठीक है, और हाइट, अब देखो हाइट क्या होता है, बेस से उसके टॉप को, टॉप कॉर्नर को ज्वाइन करता हुआ परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाता है, हाइट. सो दिस इज हाइट. क्लियर है, सो ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया. ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है. ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की. अच्छा, अगर हम पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर सिंपली तीनों को हम एड कर देंगे. यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ दिस इज बेस, जिसको हम चाहें तो कैपिटल बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये बेस है तो उससे 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट होने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर. तो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर. ठीक है, ये जो साइड है ए बी, ये क्या है, परपेंडिकुलर. और 90 डिग्री के सामने वाला साइड, साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल इज नोन एज हाइपोटेनियस, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है,
तो ये जो टर्म्स हैं बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये टर्म्स हमको रिमेंबर रखने किसके लिए? पाइथागोरस थ्योरम के लिए। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल, देखो यहां पर 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस, ठीक है। ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जब आगे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझ आएगा कि हम इसको बेस को परपेंडिकुलर भी अज्यूम कर सकते हैं, कब? जब यहां पर एंगल फॉर्म होगा तब। बट यहां पर आप ज्यादा डिटेल में मत चलिए, अभी बेसिक ही समझ के चलते हैं, ठीक है। तो ये बेस है तो ये होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है? हमेशा हाइपोटेनियस कहलाता है, ठीक है। हाइपोटेनियस को हम लोग एच से अज्यूम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर को हम चाहे तो यहां पर P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बेस को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहां पर इस साइड के में बात करूं तो देखो हाइपोटेनियस क्या है? एसी, तो इसको हम लिख सकते हैं एसी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारा? बीसी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बीसी स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें सिंपल नोटेशन के वे में तो नोटेशन के हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनियस को हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास? बी, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? पी, तो हो जाएगा पी का स्क्वायर। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दिस आर अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है। चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीजें हमको याद रखे चलनी है। पहला हमको याद रखे चलना है एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, एक छोटा चीज और समझिए यहाँ पे, ये जो हाइट है एक्चुअल में यही हाइट क्या है? परपेंडिकुलर है। तो कभी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर मेंशन हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू बेस, और इस हाइट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉट पैरीमीटर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करके चलना है आपको? ये वाला। राइट एंगल ट्रेंगल हमेशा किसको फॉलो करता है? पाइथागोरस थ्योरम को। तो देखो यहां क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। एक लास्ट चीज और देखो यहां पे, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। बेस से 90 डिग्री पे कनेक्ट होने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। या परपेंडिकुलर से 90 डिग्री पे कनेक्ट होने वाला जो साइड है वो क्या कहलाएगा? बेस। ये तो बेस और परपेंडिकुलर पे आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब हम बात करते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? जहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है उसके सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस, क्लियर है। चलिए, तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ अ बेस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये है ए बी सी, और यहां पे 90 डिग्री एंगल, जिसकी वजह से क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। अब क्या दिया इसमें? फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ अ बेस ऑफ 5 सेंटीमीटर। बेस कितना है? दिस इज बेस, और बेस कितना है? बेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये बेस हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, और ये क्या है? हाइट। ये है h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
सो दीज आर अबाउट क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमको ये गिवन है, क्या क्या गिवन है, बेस 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, और हमको क्या फाइंड करना है एरिया. सो हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. क्लियर है, वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया. अब वैल्यू पुट करने के बाद देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 2 और 2 3 6. क्लियर है, देन सिंपली इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15. सो एरिया ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इफ वी हैव बेस एंड हाइट. अगर यहाँ पे बोलता परपेंडिकुलर हाइट की प्लेस पे, तो भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि हाइट और परपेंडिकुलर यहाँ पे सेम है. ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, अ राइट एंगल ट्रेंगल हैज 6 सेंटीमीटर बेस एंड 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, देन फाइंड इट्स एरिया. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है, लेट सपोज वी हैव राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी. ठीक है, और इसका बेस कितना गिवन है, बेस हमारे पास बी गिवन है 6 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है हमको, परपेंडिकुलर गिवन है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइट, कितना गिवन है ये 4 सेंटीमीटर, और ये होता है 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं. ठीक है, जो हमको आगे यूज करना पड़ेगा, तो अभी से मेमोराइज करके चलते हैं, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमको, एरिया. सो हाउ वी कैन फाइंड एरिया, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और वी कैन से एरिया ए इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, परपेंडिकुलर से. सो वी कैन ऑल्सो राइट परपेंडिकुलर इन प्लेस ऑफ हाइट. अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे परपेंडिकुलर बोलिए या हाइट, इसका वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर. सो पुट ऑल दिस वैल्यू, 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर. अब इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 2 और 2 3 6. ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, देखिए यहाँ पर 3 × 4 = 12. सो एरिया ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल. ठीक है, सो इस तरह से हम अगर परपेंडिकुलर भी दिया हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ राइट एंगल ट्रेंगल हैज बेस ऑफ 4 मीटर एंड परपेंडिकुलर ऑफ 3 मीटर, फाइंड द एरिया एंड पैरीमीटर. ठीक है, इसमें पैरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड आउट करना है. हमारे पास ट्रेंगल गिवन है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रेंगल. ठीक है, ए बी सी, और यहां पे है 90 डिग्री. ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या गिवन है हमको, गिवन है बेस 4 सेंटीमीटर. सो दिस इज बेस बी 4 सेंटीमीटर. क्लियर है, ये क्या है, ये है बेस, और क्या गिवन है, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर, और यू कैन से हाइट, तो कितना हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर. क्लियर है, तो फर्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया. तो हम एरिया इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. हाउ वी कैन फाइंड एरिया, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये हमारा फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू एच. अब यहां पर बेस और हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बेस कितना है, बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आई थिंक इसमें मीटर में है. ठीक है, तो देखिए यहां पर यूनिट में मिस्टेक कर दिया मैं, ये मिस्टेक आपसे भी हो सकता है. ये है 4 मीटर और ये कितना है,
3 मीटर। तो क्लियर कीजिएगा इसका, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, a इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस कितना है 4 मीटर इंटू हाइट कितना है 3 मीटर, ठीक है। तो यहां से देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको लिख देते हैं, a इक्वल्स टू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 मीटर इंटू मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। आपको यूनिट का क्लियर करना है, यूनिट में मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, अब हमको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज अ टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ क्या होता है बाउंड्री। तो यहां पर देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ये क्या कहलाता है हाइपोटेनियस एच, क्लियर है। दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपोटेनियस। अब यहां पर हमको इस कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू देखिए यहां पर ये है P परपेंडिकुलर, या फिर बोल सकते हो आप हाइट, प्लस ये हो जाएगा बेस, प्लस ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तीनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा पेरीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना है देखो, पेरीमीटर इक्वल टू एज की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, बेस की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, बट इस एज की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं और इस एज की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू, वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसीलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो उस राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होगा हाइपोटेनियस एच का स्क्वायर, ये होगा किसके इक्वल बेस, बेस के स्क्वायर के इक्वल, बेस स्क्वायर प्लस ये क्या है परपेंडिकुलर, क्लियर है। हाइपोटेनियस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्लियर है। ये जो साइड का स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, क्लियर है। ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो चलिए वैल्यू पुट कर दें, एच स्क्वायर का वैल्यू हमको पता नहीं है, एच की वैल्यू पता नहीं है वही हमको फाइंड आउट करनी है, बेस की वैल्यू हमको पता है कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं 4 बस पुट कर दे रहा हूं यहां पे, और यहां पर p की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा ये h स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 हो गया, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, टोटल कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 9 25। सो हियर वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ h, कैसे फाइंड करेंगे, रूट इधर लग जाएगा और 25 से क्या बाहर निकलेगा 5, रूट को सॉल्व करना आता है ना, ठीक है। अब देखो एज की वैल्यू को कितनी मिल गई 5, और यूनिट क्या होगा इसका मीटर, ठीक है। सो 5 मीटर हमको क्या मिल गया, एज का वैल्यू मिल गया। अब इस एज की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, हमको मिल जाएगा पेरीमीटर की वैल्यू। सो चलिए इस एज की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 मीटर, प्लस ये हो जाएगा 5 मीटर, सो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12 मीटर। सो यहां पे हमको फाइनली पेरीमीटर कितना मिल गया, पेरीमीटर इक्वल टू 7 प्लस 5 12 मीटर। तो इस तरह से हम अगर कोई भी एक साइड मिसिंग है और दो साइड गिवन है तो हम वहां से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम किसी भी साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ट्वाइस ऑफ द अदर एंड द हाइपोटेनियस इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट सपोज वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे ये ए है, ये वाला कॉर्नर बी है और ये सी है, और यहां पे कॉर्नर बी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
This is what? This is base. This is what? This is perpendicular. You can also known as height. And this is what? This is hypotenuse. ठीक है, ये हमने एक basic right angle triangle draw कर लिया. अब इस question में क्या क्या बोल रहे हैं, चलिए समझते हैं इसको. One side of a right angle triangle is twice of other and the hypotenuse is. इस hypotenuse की value कितनी दी हुई है हमको? Hypotenuse की value है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि वन साइड इज ट्वाइस ऑफ अदर साइड. अब दो साइड कौन कौन से बचा? एक तो बेस बचा और दूसरा परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेनियस के वैल्यू यहां पर गिवन है. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों में से एक साइड दूसरे साइड का ट्वाइस है. मतलब या तो परपेंडिकुलर बेस का ट्वाइस होगा या बेस परपेंडिकुलर का ट्वाइस होगा, बट हमको पता नहीं है. ठीक है, तो यहीं से हमको एजम्पशन लेके चलना है. ठीक है, सपोज परपेंडिकुलर इज ट्वाइस ऑफ बेस, ये हमने एज्यूम किया. आप चाहें तो बी इक्वल टू टू पी भी एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया परपेंडिकुलर इक्वल टू टू बी. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हाइपोटेनस हमारे पास गिवन है और बोला है कि एक साइड दूसरे साइड का ट्वाइस है, तो हमने एज्यूम कर लिया. अब यहां से हमको एरिया फाइंड आउट करना है. क्लियर है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ए इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हाइट को आप क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट, या फिर इसी को आप बोल लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहां पे देखिए P इक्वल टू हमने कितना एज्यूम किया है, 2b. तो इसी वैल्यू को हमको कहां पुट कर देना है, यहां पे पुट कर देना है. तो क्या हो जाएगा, देखिए ये A इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू पी की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2b. ठीक है, तो देखिए यहां पर ये 2 कैंसल ये 2 से. ठीक है, तो क्या बचा यहां पे, b इंटू बी बी स्क्वायर. ठीक है, चलिए इसको मैं इस साइड में लिख दे रहा हूं. तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, A इक्वल टू बी स्क्वायर. यहां से हो गया a इक्वल टू बी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अब एरिया का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको बेस की वैल्यू चाहिए. अगर हम b का वैल्यू किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, b स्क्वायर का वैल्यू, तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया. तो अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. आप देख रहे हैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हर क्वेश्चन में, लगभग जो भी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता ही हो, अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की. तो सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, पी स्क्वायर. ठीक है, बट यहां पे हमने क्या एज्यूम किया है, पी को हमने एज्यूम किया है 2b. तो यहां पर 2b पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2b स्क्वायर. क्लियर है, तो यहां से एच स्क्वायर इक्वल टू, और एच की वैल्यू देखो हमको पता है ना, एच की वैल्यू कितनी पता है, 10 सेंटीमीटर. तो यहां पर मैं 10 पुट कर देता हूं, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू ये बी स्क्वायर को हम बी ही रख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर मीन्स 4b स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहां पर बी स्क्वायर 4b स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर. तो यहां पर 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू 5b स्क्वायर. क्लियर है, यहां से वो कैंसिल कर रहे हैं. सो 5 1 5 और ये हो जाएगा 5 2 10 और ये 0. तो फाइनली हमारे पास अगर हम बात करें यहां से, तो ये हो जाएगा 20 किसका वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू. ठीक है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 20. अब इस बी स्क्वायर के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर के वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहां पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. और जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू बी स्क्वायर. बी स्क्वायर की प्लेस पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू
20, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर में। सो फाइनली ए इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में अगला टाइप क्या है, सेकेंड टाइप इज अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। सो व्हाट इज अक्यूट एंगल ट्रेंगल, वेयर एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री, ऐसा ट्रेंगल जहां पर एंगल क्या हो 90 डिग्री से लेस देन हो। सो लेट सपोज वी हैव ट्रेंगल वेयर एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री, तो ये हमारे पास एक ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल में जितने भी एंगल है, चाहे हम इस एंगल की बात करें या फिर इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें, सभी के सभी क्या है 90 डिग्री से लेस है, छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अक्यूट एंगल ए बी सी। क्लियर है? तो हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ अक्यूट एंगल ट्रेंगल, वी कैन फाइंड एरिया ऑफ अक्यूट एंगल ट्रेंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। A इक्वल टू 1/2, बेस को हम B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हाइट को H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ अक्यूट एंगल ट्रेंगल। तो यहां पर बेस और हाइट क्या है, ये होगा बेस, दिस इज बेस एंड परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग टू द बेस टू टॉप ऑफ द कॉर्नर, ये टॉप ऑफ द एंगल इज नोन एज हाइट। सो दिस इज हाइट। क्लियर है? तो दिस आर अबाउट अक्यूट एंगल ट्रेंगल। तो अक्यूट एंगल ट्रेंगल में हमको क्या करना है, सिंपली यहां पे इस फॉर्मूला को रिमेंबर करना है, ए इक्वल्स टू 1/2 बी इंटू एच, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो जनरल फॉर्मूला होता है ट्रेंगल का वही यहां पर यूज होने वाला है। अब यहीं पर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, दोनों को हम एक साथ देख लेते हैं। इसका जो थर्ड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, थर्ड टाइप होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल का मतलब क्या है, ऑब्ट्यूस मींस वेयर एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट टाइप ऑफ ट्रेंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, ठीक है। सो लेट सपोज वी हैव ट्रेंगल वेयर वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी सी, ये एक ट्रेंगल है, ठीक है, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, ठीक है। इस ट्रेंगल में यहां पर जो कॉर्नर भी है, यहां पर का जो एंगल है ये क्या है 90 डिग्री से ग्रेटर है। अगर ये लाइन में ड्रॉ करता तो ये क्या होता 90 डिग्री, और ये इधर और ज्यादा एक्सटेंड हो गया तो ये क्या है 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो ये जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, इसी की वजह से ये जो ट्रेंगल है क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, ठीक है। एंड हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, सेम फॉर्मूला। सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एच। अब इस ट्रेंगल में बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा, सो दिस इज बेस, बेस इज बी सी, ये है बेस, और हाइट क्या होगा, हाइट हमेशा क्या होता है बेस से लेकर के उस ट्रेंगल का टॉप कॉर्नर तक का हाइट क्या कहलाएगा, उसके टॉप कॉर्नर तक का लाइन क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। तो यहां पर देखिए ये है इसका टॉप कॉर्नर, तो इसका बेस को हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये हमने बेस को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो लाइन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका हाइट। क्लियर है? सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ अक्यूट ट्रेंगल एंड ऑब्ट्यूस ट्रेंगल, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला हमको रिमेंबर रखने हैं, जो कि हमको पहले से ही पता है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों के हम क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अक्यूट एंगल ट्रेंगल का।
फाइंड द एरिया ऑफ एन अक्यूट एंगल ट्रेंगल विथ अ बेस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक अक्यूट एंगल ट्रेंगल है. लेट सपोज दिस इज अक्यूट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, ए बी सी. तो इस ट्रेंगल का बेस कितना गिवन है? बेस बी इक्वल टू हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर. एंड व्हाट अबाउट हाइट? हाइट क्या होगी इसका? दिस इज हाइट, ठीक है. इसको आप चाहें तो एक्सटेंड करके बाहर भी लिख सकते हैं. कैसे? इस तरह से, दिस इज हाइट, ठीक है. व्हाट अबाउट हाइट? हाइट इक्वल टू हमारे पास गिवन है यहां पे 4 सेंटीमीटर. सो हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो फाइंड द एरिया ऑफ एन अक्यूट एंगल ट्रेंगल. बेस गिवन है, हाइट गिवन है, इससे हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो एरिया ऑफ अक्यूट एंगल ट्रेंगल ए इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस बी इंटू हाइट एच. पुट करते हैं इसका वैल्यू, फिर हमको इजीली एरिया का वैल्यू मिल जाएगा. ए इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा? बेस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है. इसको कैंसल आउट कर दें. देखो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4 सेंटीमीटर. सो अब कैलकुलेट कर दें इसको. देखो यहाँ पर 7 into 2 कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ एन अक्यूट एंगल ट्रेंगल. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल पे. चलिए क्वेश्चन देखें. फाइंड द एरिया ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल विथ अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल है. दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास बेस कितना है? 10 सेंटीमीटर. सो बेस इज व्हाट? बी सी इज इक्वल टू बेस. बेस बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. एंड व्हाट अबाउट हाइट? हाइट गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर. सो दिस इज हाइट. ये बेस से लेकर के कॉर्नर के कॉर्नर तक का ये जो लाइन है क्या कहलाएगा? हाइट. सो हाइट कितना गिवन है हमारे पास? हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है. तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ए इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है. देखो बी और एच दोनों की वैल्यू पता है हमको. सिंपली पुट कर देते हैं. ए इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस कितना है हमारे पास? बेस है 10 सेंटीमीटर. हाइट कितना है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर, ठीक है. यहां से देखिए कैंसल आउट करते हैं इसको. 2 1s are 2 और ये 2 5s are 10. तो क्या बचा यहां पर? 5 और ये 6. सो फाइनली ए कितना हो जाएगा? 5 into 6 दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, ठीक है. तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ ऑन द बेसिस ऑफ साइड.